ही मा तलात शमसुं वला गरबत इल्ला व अंत फी कल्बी। नबी साहब ने सहाबा किराम की एक जमात तैयार की थी जो अंबिया के बाद कायनात के सबसे ज्यादा पसंदीदा लोग थे, बुजुर्ग लोग थे। उनमें एक सहाबी थे, उनका नाम था मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये अमीर माँ बाप के बेटे थे, इनके वालिदैन इनको अच्छा खिलाते थे, पहनाते थे और बड़ी शान से रहते थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो माँ बाप ने अपना हाथ खींच लिया और इनको बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया। अब ये गुर्बत का शिकार हो गए। एक मरतबा नबी निज़ाम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने एक खाल मेले की जो खलड़ी होती है ना, वो लपेटी हुई थी सर्दी से बचने के लिए। यानी इतनी गुर्बत का आलम था। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको आते हुए देखा तो फरमाया कि इस शख्स को देखो कि जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है। मैंने देखा कि इसके वालिदैन इसको उम्दा खिलाते थे और अच्छा पानी देते थे और अब अल्लाह और रसूल की मोहब्बत ने उसको इस दर्जे तक पहुंचा दिया जो तुम देख रहे हो। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे की बड़ी रियायत फरमाते थे जो अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा करने वाले। हजरत इस्माइल बिन अवान ने हजरत अनस से रवायत करते हुए फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करे तो गुनाह उसको जरर नहीं देता और गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मोहब्बत असासुल मारिफा, मोहब्बत मारिफत की बुनियाद है, बल इफ्फत अलामतुल यकीन, और इफ्फत वाकदामी यकीन की अलामत है।